उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड एंड दिस इज अगेन अ वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर आल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आर इलेक्शन। और जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है, ऐसे ही यूथ पार्टिसिपेशन इज अनदर एरिया विच द कमीशन इज वेरी कॉन्शियस एंड कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन। 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 लाख एडवांस एप्लीकेशंस विच हैव कम टू अस, अराउंड 5 to 6 lakhs आर सच हु विल कंप्लीट द एज ऑफ 18 बाई 1 अप्रैल 2024, और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे। यानी इट द रोल वुड बी एज मच अपडेटेड ऑन 1 अप्रैल कि कोई भी छूटे नहीं। नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे। और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज की वजह से कि वो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें। कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस, और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेटअप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन, अपने पर्सनल को लेके जाएगा। एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वी आर श्योर दैट वी वुड मेक इट अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर आर वोटर्स। एंड देन द वोटर्स डिलाइट, पोलिंग स्टेशन इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीजें आपको मिलें। देन हाउ वुड बी एंश्योर दैट इट इज ऑल्सो इंक्लूसिव इन द सेंस 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हील चेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ
हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आएं। फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट द सस्टेनेबल इलेक्शंस एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इलेक्शंस हों, इसके लिए भी हमने डायरेक्शंस अपने इलेक्शन मशीनरी को दी है। वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए। आप उसको कलेक्ट करें, डिस्पोजल करें और टीम्स के साथ में सेंड देम टू वेरियस डिस्पोजल थिंग। इट्स पार्ट ऑफ द मटेरियल अरेंजमेंट। मिनिमल यूज पेपर का करें। मैक्सिमम हमारी ई बुक्स लागू हैं, आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट पर ई बुक है। मोर एंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, मोर एंड मोर लेस एंड लेस पेपर वर्क, ऑल दैट इज वॉट इज आर कमिटमेंट टू द एनवायरमेंट। वी आर ऑल्सो ग्रेटली लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन 3 वर्टिकल्स फॉर द हेल्प ऑफ द वोटर, फॉर द हेल्प ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसीज मशीनरी एंड ऑल्सो फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। कोई भी वोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूथ कहाँ है, उसका एपिक डाउनलोड करना है, इफ ही हैज ए मोबाइल नंबर सीडेड ही कैन डाउनलोड हिज और हर मोबाइल। कोई भी बीएलओ के बारे में कोई जानकारी लेनी है, वन कैन गो टू द वोटर हेल्पलाइन एट। यू कैन नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ए कैंडिडेट यू हैव इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु आर कंटेस्टिंग। सो देर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट। तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें केवाईसी के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड। Then ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆಳ್ಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.